आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, लगातार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बताते चलें कि अभी बाल बाल एक हादसा स्थानीय कस्बा रेवसा चौराहे पर होते बचा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और आप हमारे पास वीडियोस और फोटो में देखेंगे कि एक शुजातपुर के प्रधान राजू मिश्रा बिस्मा रोड से स्थानीय कस्बा रेवसा की तरफ आ रहे थे और एक गन्ना लोड ट्रैक्टर बिस्मा की तरफ जा रहा था और दोनों की आमने सामने स्थानीय कस्बा रेवसा के हनुमान मंदिर के जस्ट सामने जोरदार टक्कर हो गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन प्रधान की गाड़ी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है सामने से, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और गनीमत रही यहां पे प्रत्यक्षदर्शियों की काफ़ी जमावड़ा लग गया, इतनी ज़ोरदार टक्कर हुई। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों की अगर माने तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो मतलब टक्कर हुई उसमें ट्रैक्टर वाले ने काफ़ी बचाव किया, अन्यथा तो बहुत बड़ा हादसा होता। और आप लोग वीडियोस के माध्यम से देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार से गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहीं, जिस हिसाब से टक्कर हुई है लोगों के अनुसार जो चर्चा का विषय बन गया है उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा हादसा टला है, बाल बाल बड़ा हादसा टल गया। और घटना स्थल पर स्थानीय कस्बा उप निरीक्षक विश्व कुमार शर्मा जी पहुंच करके दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है और उनको थाने ले गई है। अब आगे देखो क्या गुल खिलता है। बाल बाल बड़ा हादसा होते बचा। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ स्थानीय कस्बा रेवसा हनुमान मंदिर जस्ट सामने ओवरलोड ट्रैक्टर गन्ना लोड ट्रैक्टर ने मारी ठोकर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गाड़ी इसी गाड़ी में ठोकर मार दी है और ये शायद प्रधान की गाड़ी है शुजातपुर। अबे घर से ना तोड़ का है। और ये ट्रैक्टर है जिससे हादसा हुआ है, आमने सामने से ठोकर हुई है। ये भीड़ जो आप लोग देख रहे हैं वही ठोकर गाड़ी में मारी है ट्रैक्टर ने, उसी तरह उसी जगह तमाम भीड़ इकट्ठा है। और ये घटना स्थानीय कस्बा रेवसा हनुमान मंदिर जस्ट सामने की है। अभी अभी ये ट्रैक्टर है और ये गन्ना ओवरलोड कर जा रहा था बिस्मा रोड की तरफ और उधर से एक प्रधान शुजातपुर के राजेश मिश्र की गाड़ी चौराहे की तरफ आ रही थी और अचानक दोनों की आमने सामने ज़ोरदार टक्कर हो गई, जिससे कि प्रधान की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और यहां स्थानीय पुलिस भी जो है काफ़ी लोगों का जमावड़ा है और पुलिस भी पहुंच गई है। ट्रैक्टर वाला कहां हुआ? ये गाड़ी की स्थिति है। और ये प्रधान जी हैं साहेब साहेब साहेब। इधर आए भैया, इधर अरे इधर आए ट्रैक्टर वाले, ये हैं ये। स्थानीय कस्बा पुलिस विश्व कुमार कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक मौके पर और ये प्रधान शुजातपुर की गाड़ी है क्रेटा। क्या बुला रहे हैं? काफी भीड़ दर्शकों की। बाल बाल होते बचा हादसा। अभी अभी जस्ट स्थानीय कस्बा रेवसा हनुमान मंदिर जस्ट सामने आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और पुलिस मौके पर है और ये प्रधान की गाड़ी है।
पुलिस ट्रैक्टर और गाड़ी दोनों को लिए जा रहे हैं थाने कस्टडी में। काफ़ी दर्शकों की भीड़ है। गनीमत रही कि बार बार कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई हताहत होने की खबर नहीं है। किसमें लग रही है काफी दर्शकों की भीड़ घटनास्थल पर, और पुलिस बल मौके पर। स्थानीय कस्बा उप निरीक्षक विष्णु कुमार शर्मा जी और दोनों गाड़ियों को कस्टडी में ले लिया गया है। आप लोग देख रहे हैं ये जो भीड़ इतनी इकट्ठा है, जस्ट हनुमान मंदिर के सामने का नज़ारा है। और ये आमने सामने से ट्रैक्टर ओवरलोड करने का ज़ोरदार क्रेटा गाड़ी में सामने से टक्कर मारी है। काफ़ी भीड़ है और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा होता और प्रधान सुजातपुर की गाड़ी के सामने से काफ़ी नुकसान हुआ है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि अभी अभी जज की खबर है 8 फरवरी 2019 की करीब 9 बजे की जस्ट चौराहे की घटना है। हनुमान मंदिर जस्ट सामने से ट्रैक्टर ने सामने से प्रधान सुजातपुर की गाड़ी में टक्कर मारी है और दोनों गाड़ियों को पुलिस घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर कब्जे में ले लिया है। दोनों को थाने ले गई। काफ़ी घटनास्थल पर भीड़ है दर्शकों की। और ये ट्रैक्टर है थाने जा रहा है। कहाँ गाड़ी लेके आवा हमारी जो बिखरी है, ट्रैक्टर है खड़ा रहा और गन्ना भरा हम तो डरी होगा। किसकी गलती नहीं है, गलती किसकी थी? तो ये अपने साइड में रहेगा। कौन साइड में था, कौन साइड में रहा? अनिल। अच्छा, ट्रैक्टर जो गन्ने वाला था वो बाएं साइड में था अपने, तो क्या खड़ा था ये? अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल लो। अरे बताओ, इसमें जो हादसा हुआ है शहाबुद्दीन, इसमें किसकी गलती थी? आखिर में अभी बता रहे थे कि नशे की हालत में है, आप ही तो कह रहे थे। हम कहाँ गए? अभी आप ही कह रहे थे। यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, शहाबुद्दीन जैसे अन्य दुकानदारों का, कि यहाँ पे जो है काफ़ी दोनों नशे की हालत में थे, क्योंकि अब जब कैमरे के सामने उनके बात कहने की बात आई तो वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। बाल बाल हम दोनों जने बच गए हैं। हम तो इधर भाग लिया, पंडित जी चाला में आ गए, रपट गिर पड़े, पावर पड़ गया, पंडित जी जाओ गिर पड़े ना, है ना, सब चाला में लग गया। हम दोनों जने इधर खरीद रहा है, ये खरीद रहा है संतरा, हम खरीद रहे सेब। चलो
अब सब कर बहुत बड़ा हादसा हो जाता।